मरियोपोल से आई जंग की सबसे खौफनाक तस्वीरें, ये पुराने विजुअल से, लेकिन अभी प्रोपेगेंडा रशिया का आया है। सीधे विजुअल दिखाएं, रूसी फौज ने रिहायशी इमारतों के पर सामने से किया अटैक, ये देखें आप, एम्बियंस अप करें प्लीज। पॉइंट ब्लैंक रेंज से इमारतों पर बरसाई गोलियां, फुल फ्रेम पे शॉट्स ले। मरियोपोल से आया ये हैरान करने वाला वीडियो, ये देखें आप, मरियोपोल से हैरान करने वाला वीडियो आया है, रशियन फोर्सेस ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां बरसाई हैं, ये विजुअल देखें आप, एम्बियंस अप करें। ये तस्वीरें मरियोपोल की हैं, मैं जाऊंगा इसके बगल में जरा एक बार राहुल ब्रेकिंग दे, क्योंकि शॉट जो है वो काफी हद तक पिक्सेलेटेड है। ये देखें आप किस तरीके से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर ये सब कुछ चल रहा है, मरियोपोल के ये तब के हालात हैं। इस बीच एक रशियन सोल्जर प्रोपोगंडा वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था वो फंस जाएंगे। अगली खबर, यूक्रेनी फौज के बिछाए जाल में फंसे रूसी सैनिक, विजुअल्स के साथ एम्बुश में घिरी रूसी सैनिकों की गाड़ी, विजुअल्स दिखाइए, एम्बुश के बाद जान बचाकर भागते दिखे रूसी सैनिक, एम्बियंस अप करें, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए एक बार। ये रशियन सोल्जर एक प्रोपोगंडा वीडियो बना रहे थे, वहां पर एम्बुश हो गया, इनको पता भी नहीं लगा कि ये देखें आप, ये देखें आप किस तरीके से एम्बुश हो गया यूक्रेन में। लेकिन अगली खबर जो है वो बहुत बड़ी खबर है, मैं आशीष के पास इस खबर को लेकर आने वाला हूं। वो खबर ये है कि क्रीमिया पर जल्द हमला कर सकता है यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया में रूस की मिलिट्री हब। सबके बीच में क्रीमिया में क्या हो रहा है, कैमरिया पर क्रीमिया पर हमला करेगा यूक्रेन, ये बड़ी खबर है, सीधे प्ले ऑन करें, आइए बिग वॉल पर। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से क्रीमिया पर हमला कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। यूक्रेन के डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के प्रवक्ता ने कहा कि क्रीमिया रूस का बड़ा मिलिट्री हब है। नेक्स्ट चेंज करें, कीव, ब्रिटेन और अमेरिका और दूसरे देशों से मिले लॉन्ग रेंज वेपन से कभी भी क्रीमिया पर अटैक कर सकता है, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूस क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन के अंदर तक हथियारों और मिलिट्री गाड़ियों की सप्लाई कर सकता है, यह बहुत बड़ी खबर है। एक और इसके बाद बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों खबरों के साथ इकट्ठा होगा यहां पर। यूक्रेन के खिलाफ नया वॉर प्लान बनाएगा रशिया, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। यूक्रेन के रॉकेट से बचने के लिए रणनीति बनेगी, विजुअल्स के साथ डोनबास पहुंचे रूसी रक्षा मंत्री ने अधिकारियों से की मुलाकात, ये नया वॉर प्लान बनाने की तैयारी है। सीधे आइए यहां पर बिग वॉल पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बताना जरूरी है। यूक्रेनी रॉकेट से बचने की रूस की नई रणनीति क्या है, रूस के रक्षा मंत्री ने, जूम इन करें राहुल इसको, यहां से कट कर सकते हैं, रक्षा मंत्री ने यूक्रेनी रॉकेट अटैक से बचने के लिए नई रणनीति बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, वो यह है कि अचानक डोनबास पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री ने अपने मिलिट्री ग्रुप योग और साउथ के अधिकारियों से मुलाकात की। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री शोइगू ने अपने मिलिट्री कमांडर्स के प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद ऑर्डर जारी कर दिया है। रक्षा मंत्री शोइगू ने कहा कि डोनबास और आसपास के इलाकों में यूक्रेनी रॉकेट हमलों को नाकाम किया जाएगा। सीधे दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ मैं सीधे आशीष के पास चलूंगा। आशीष, अगर वो क्रीमिया पर हमला करने की सोच रहे हैं तो यह युद्ध का दायरा बढ़ेगा, अगर वो डोनबास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो रशिया इनके ऊपर हर लेवल के काउंटर अटैक करेगा, जहां पर सिविलियंस की लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी, जो कि हम देख रहे हैं। क्या आप फोरसी कर रहे हैं इस युद्ध का डायनामिक? ये जिस तरह से अभी तक वेपन्स मिले हैं उसको लेकर ये मुश्किल होगा, क्योंकि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी दोनों ही स्कीम ऑफ थिंग्स में एंटर हो जाएंगे, और उसके लिए यूक्रेन को एम्फीबियस और मैरीटाइम ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि बहुत स्ट्रांग एरिया उनका है नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि ये जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है उसे वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इनिशिएट करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, और स्पेसिफिकली डोनबास और डोनेस्क को बचाने के लिए वो इस तरह की एक्टिविटी या फिर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, लेकिन इफ़ एंड व्हेन दे स्टार्ट, ये एग्जीक्यूट करना उनके लिए मैरीटाइम और एम्फीबियस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं, सीधे क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा जन सुधाकर से, बचाऊंगा राहुल, क्रीमिया वाली वॉल दें और शोइगू वाली नीचे ब्रेकिंग दें। जन सुधाकर सर, योर टेक वेरी क्विकली, अगर वो क्रीमिया पर अटैक कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्टर्न वेपन्स, यही रशिया ने मना किया था, यही अमेरिका इनको फोरवॉर्न कर रहा था, ऑल सेड एंड डन क्रीमिया भी रशिया का पार्ट है, तो क्या ये युद्ध को एग्जैजरेट नहीं करेंगे? ये निशान, एक लाइन में ये कहूँगा, ये प्रोपोगंडा वॉर का एक हिस्सा है। इस किस्म की लड़ाई एक कन्वेंशनल लड़ाई की मान्यता रखते हुए आगे नहीं कर सकते हैं। आशीष ने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया है, और उनको ईस्टर्न प्रोविंस
डोनबास को अगर बचाना है तो इनका फोकस और अटेंशन होना चाहिए रशियन अटैक जो बिल्ड हो रहा है वहां से, इसके रोकथाम के लिए उसको कोशिश करना चाहिए। बैक टू पॉइंट टेकन सर।